Hello friends, my name is CACFP Anant Ladda and I welcome you all to our channel Invest Aaj For Kal. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ही हिट करिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे आप सभी के पास। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चाइल्ड फंड और रिटायरमेंट फंड। यूजुअली इस टाइप के फंड आपके इमोशनल प्ले को यूज़ किया जाता है और आपको दिए जाते हैं, तो क्या एक्चुअली चाइल्ड फंड और रिटायरमेंट फंड हमारे लिए यूजफुल है, सोचने वाली बात है। आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चाइल्ड फंड रिटायरमेंट फंड यूजुअली क्या होता है, आपके पैसे को लॉक कर देता है 10 15 20 सालों के लिए। ऐसा हम क्यों करें, एक बार सोचिए। अगर हमारा कोई नॉर्मल फंड है उसको हमने चाइल्ड के लिए एलोकेट कर दिया, या कोई एक दूसरा फंड है जिसको हमने रिटायरमेंट के लिए एलोकेट कर दिया, क्या कोई आपको उस फंड को रिटायरमेंट के लिए यूज़ करने के लिए मना करेगा? आई डोंट थिंक सो। सो हमें करना क्या है, हमें किसी भी ऐसे फंड में नहीं घुसना है जिसका लॉक इन पीरियड हो। लॉक इन पीरियड होना मतलब आपको बांध लिया, हमने बंधना नहीं है किसी भी फंड से। अगर वैल्यूएशन हमारा कंफर्ट जोन से बाहर जाता है तो हम उस फंड को एग्जिट भी करेंगे, लेकिन अगर हम लॉक इन फंड में एक बार चले गए तो हम एग्जिट नहीं कर सकते। सो जनरल लोगों को आई विल सजेस्ट इग्नोर चाइल्ड फंड एंड रिटायरमेंट फंड, बट हो सकता है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में इनकी रिक्वायरमेंट हो तब हम इसको ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन केस बेसिस, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए चाइल्ड फंड और रिटायरमेंट फंड को हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। हम इसकी जगह कोई नॉर्मल फंड लेंगे, उसको चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए एलोकेट कर देंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंसेप्ट अच्छा लगा और आपको लगा ये कुछ इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ इस कमेंट बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और वो इससे अवेयर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।